तो फर्स्ट ईयर है ना, अभी तो सेकंड ईयर शुरू हो गया। कौन सी आपको तो वहाँ खबर भी नहीं चली, पर चलो आप तो फिर भी इतना दूर बैठ के आप तो पहुँच पाए। मगर कभी कभी हम लोग पुलिस वाले हैं सभी, तुम्हारी तकदीर में इस तरह की जो बाहर देखिए, पहले तो ये कि हमारे जो संसद फरूख जो जिनको शहीद किया गया, इलाका में बहुत अच्छा उनका रेपुटेशन था, लोग उनकी तारीफ करते हैं, उसके ऑफिसर उसकी तारीफ करते हैं, तो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। इसका कत्ल बिना किसी वजह से एक बेगुनाह के कत्ल के माफक इसको मारा गया, और कुछ ही दिन के अंदर जो इसके कातिल हैं वो भी खुद रास्ते से चले गए, उनका भी खात्मा हो गया है। ये केस पूरी तरह से वर्कआउट हो गया, इसमें जो लोग पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे वो पकड़े गए हैं, उनकी पूछताछ जारी है, पुलिस अपनी कार्रवाई उसमें कर रही है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दी का कोई ईमान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी मशहूरी और अपने कारनामे जो इनके नापाक इरादे हैं उनके मुताबिक अंजाम देते हैं, ताकि इनकी ऊपर हाजिरी लगे, लोग जाने कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, मगर लोग इनकी हकीकत को समझते हैं कि ये बिल्कुल घटिया इनकी कार्रवाइयाँ हैं। बेगुनाह का कत्ल करके ये खुद भी बच नहीं सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आइंदा भी इस तरह की कार्रवाई जो सख्ती से हम लोग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स कर रही है वो जारी रहेगी। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में, ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873108158।